नॉर्थी कई बार नॉर्थी, अभी तो हरमाड़ा पंचायत राजस्थान में उसकी सरपंच है, लेकिन इज अ बिग लीडर, दलित लीडर, वुमेन्स राइट्स लीडर, राइट टू इंफॉर्मेशन लीडर इन राजस्थान विद अ फैंटास्टिक हिस्ट्री. एंड अरुणा वेरी ऑफन सेज नॉर्थी इज हर गुरु, एंड दैट रियली इज ट्रू. इट्स नॉट जस्ट सेइंग इट, इट रियली इज ट्रू, एंड आई थिंक यू विल सी व्हाई इन अ शॉर्ट व्हाइल. नॉर्थी 10-15 मिनट में आप अपनी बात कह दें. खड़े होना है या बैठ के? मैं राजस्थान की हूँ, बिल्कुल एक ग्रामीण महिला हूँ. ऐसी मैं अनपढ़ हूँ. अनपढ़ होने के कारण भी कई चीज़ें एक समझ में आती है कि ये कंप्यूटर जो चीज़ें गांव तक नहीं गई है, ये चीज़ें भी हमारे गांव तक गई है. ये जाने के बाद में मेरे को भी यही सोच आ के हम भी कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, नेट खोलना सीखते हैं, प्रिंटर काटना सीखते हैं. और ये सीखे, सीखने के बाद में मैं 700 महिलाओं को भी, बच्चों को भी जो 10वीं 8वीं पढ़ी लिखी है, इसी को मैंने सिखाया. गांव वालों का सोच आ के इसी को विकास का काम में लगा देना चाहिए. और विकास का काम हमारा जो स्तर गिरे जा रही है, इसी को ऊंचा लेने के लिए ये ईमानदार महिला है, इसी को चुनाव में खड़ा किया. मेरे को सरपंच बना दिया. सरपंच बनाने के कारण भी मैं कई चीज़ें ऐसी मैं पहली हुई करती आ रही कि गरीब महिला, गरीब आदमी, बिल्कुल गांव के, राजस्थान में बहुत काल पड़ते, भूख की लपट में होते हर इंसान, समय पर खाना नहीं मिलते, इसी लोगों के लिए हम काम करने के लिए तैयार, लोगों का मन जीतने के लिए, लोगों का संगठन करने के लिए हम गांव-गांव में महिलाओं को संगठन बनाए. बट जो भी ये बिल्कुल गांव के लोगों की एक सवाल है, एक टेक्निकल लोगों सोच है, सरकार का भी है, जो काम करने वालों का भी सोच यह है कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जल्दी काम हो जाते हैं. बट धराधर जो लोग गरीब आदमी होते हैं और पढ़े लिखे लोग जो कंप्यूटर में काम करने वाले लोग कितना है, 20% 80% हमारा पूरा गांव, पूरी दुनिया अलग है. एक खून पसीना बुहाने का और एक पावड़ा चलाने का, जो अनाज पैदा करते हैं, सूखी एक 400 फुट नीचे पानी बाहर लाके जो दुनिया ने पालते हैं, और दुनिया का जो रोजी रोटी का एक शोध करते हैं, इसी में कंप्यूटर में कोई फर्क नहीं है. हम जानते हैं, कंप्यूटर चलाने भी जानते, नेट खोलने भी जानते, प्रिंटर काटने भी जानते, सब कुछ जानते, अनपढ़ होते नते भी. बट जो ये टेक्निकल लोग ये नहीं समझते कि ये कितना हमारे लिए करते हैं, तो देश के महीने जो 80% है, इसी को साथ लेने के बाद में ही हमारा ये बदलाव सामना आएगा. दूसरी बात है कि ये कंप्यूटर तो बहुत अच्छा है, सबकी काम बहुत सोलेट कर देते हैं. बट हम पंचायत में बैठने के बाद में मेरे को ये ही समझ में आया कि ये नेट को प्रण 2 साल तक हमारे मजदूरों का जो नरेगा का पैसा आती है, गवर्नमेंट देती है, ये सटासट 1 महीना के महीने 2 बारी भुगतान हो जाते थे. और ये नेट आने के बाद में 7-7, 8-8 महीना तक लोग भागते, बैंक के पीछे भागते, पोस्ट ऑफिस के पीछे भागते, नेट में पैसे नहीं आते.
तो हमारे पीड़ित लोगों की और पीड़ित बता दी। ये पीड़ा बहुत गहरी है। जो रोजी रोटी रोज मिट्टी खोद के रोज जो मेहनत करते खून पसीना बहाते, ये भी समय पर आपका बच्चे भूखे रहते तो बहुत दुख होती। मैं समझती हूँ कि ये महिला ना आगे लाना का एक सोत है। महिला को परन बहुत शोषण होते हैं इसी पर। क्यों होते हैं कि जो भी गर्भवती महिला होती है इसी का एक सोच पढ़े लिखे लोगों का, एक डॉक्टर का होते, एक मशीनरी ऐसी होती है कि पेट में लड़की होती है तो इसी को तुरंत गिराने का एक रास्ता दिखा देते। बहुत दुख होते कि देश में लड़कियों की महिला की बहुत कमी है और फिर भी हमारी महिलाओं को प्रणता भयंकर शोषण होते कि ये टिकलेजन नहीं आती तो बहुत ही हमारी महिला पता नहीं 5% पति होती। बहुत कमी है। एक जो गांव के अंदर जो देसी अनाज होते हैं, देसी सब्जियां होती है, देसी पानी होते हैं, देसी सब कुछ होते हैं, दूध हमारा सबसे बड़ा दूध होते हैं, दूध के अंदर भी एक टिकनोजल की एक दवा चलती है कि गाय के सुई दे दो 10 किलो दूध हो जाएगा, सब्जी का पेड़ के सुई लगा दो ये पाव का 1 किलो सब्जी बन जाएगा। ये बहुत गलत बात है। कुदरतों जो इंसान पनपते हैं, जो कुदरत से जो चीज़ें होती है वह बहुत ताकतदार होती है। क्योंकि मैं मानती हूँ ये कंप्यूटर बहुत अच्छा है, नेट बहुत अच्छा है, इन तरीका ना बहुत ही आउटसाइड ले जाते हैं लोग। तो मेरा सोच यही है कि जठा तक 80% लोगों को साथ नहीं लेगा, महिलाओं को साथ नहीं लेगा तो ये हमारा सोच, हमारा जो टिकनेजल का एक सौभाग्य है ये बिल्कुल गण्या चुनिया लोग 80% में ही ये घूम घुमा के आ जाते हैं। एक सरकारी लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, देश ने चलाने वाला होते हैं, ये अपना जो गोपती चीज़ें रखते हैं इसी को ही नेट पर क्यों नहीं देते। हम सूचना मांगते हैं, रोजगार का एक देश में कानून लागू हो गए तो भी हम 50 बार चक्कर लगाते तो हमारे को ये आंकड़ा नहीं मिल पाता। किसी को पकड़ भी लिया, आंकड़ा भी मिल गए, पकड़ भी लिए, फिर भी ने प्रावधान नहीं है कि इसी को कुछ नेम का आधार हूँ, इसी को सस्पेंड करना है, किसी को सजा देनी है, किसी को जरिमाना करना है, घूम फिरा के एक लपेटते रहते बात को। तो हमारा यही है कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोगों में पावर ज़्यादा होते हैं और जो टिकनेजल लोग होते हैं और जो लोग गांव तक की चीज़ें हैं वहाँ चीज़ों ना गुमराह करने के लिए ये टिकनेजल में या कंप्यूटर में या टीवी में पता नहीं किसी किसी चीज़ के मीन रेडियो द्वारे फ़ोन द्वारे कुछ भी ये चीज़ें उल्टी सीधी हमारे गांव तक भेजते रहते हैं। एक चीज़ है कि हमारी पंचायत के अंदर 1 साल का मीन राजस्थान का एक राशन कार्ड का आंकड़ा तैयार किया तो ये क्या कंप्यूटर द्वारा, तो इसी का मीन जो असली जानकार होते और राजस्थानी कोई पढ़ाई जानते हुए तो भी फार्म ने जो राशन कार्ड भरते हैं इसी को सही तरीका से भर सकते हैं। जो कंप्यूटर का मीन समझ नहीं है, पता नहीं दूसरा जगह का भाषा नहीं समझते, इसी को ऑपरेटर पर बिठा दिया तो भी मैं कई गलतियां, हर पंचायत में हजारों लोगों की गलतियां तो सरकार मानती नहीं है भी इसी आंकड़ा को कि ये आपकी पंचायत से शुद्ध करा के लेओ, लेटर पेड पर लिखा के लेओ
ये नाम गलत है, तो ना तो बैंक में भी को कोई खाता भी है तो भी का पैसा नहीं निकल सकते, या वो कटे रोजगार का काम पर जाते थे इसी को मानते नहीं है, इसी को पेमेंट आ गया तो देते नहीं है, तो ये टिकनी जल लोग चीज़ों का महीने बहुत गलती होती है। करने वाला और कराने वाले कौन होते कि जो ये मोटी मोटी चीज़ों के ऊपर ना ठेकेदार, इसी के ऊपर ना बहुत ही बड़ा हाथ है कि लोगों को कैसे गुमराह बनाते, कैसे लोगों को चक्कर खुआते, कैसे लोगों को हम हमारी मुट्ठी में रखते, ये लोगों की ये नहीं चलेगी। क्यों? 80% दुनिया बैठी बाहर, पढ़ी लिखी कोई नहीं है, कंप्यूटर में नहीं जानते, माउस में कोई नहीं जानते, ये जो कीबोर्ड में कोई नहीं जानते, मॉनिटर में कोई नहीं जानते, हम जानते। हम कभी हिंदी भाषा भी पढ़ना नहीं आते, हम कंप्यूटर सीखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो हमारा ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड होने उंगलियों पे कहाँ सीखा हमारा जो SWRC तिलोनी, नहीं लेकिन कहाँ सीखा, हाथ है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा हम कीबोर्ड को भी इसे कवर किया, इंग्लिश भाषा को हिंदी में भाषा को शुद्ध किया, शुद्ध करने के बाद में टेबल बनाया, टेबल बनाने के बाद में हिंदी का आंकड़ा शुद्ध किया, शुद्ध करने के बाद में सेव किया, कुछ भी इसी का मैंने पेंटर काटना तो पेंटर काटना, हमारा पंचायत का काम भी हम बीमे डाल देते हैं कंप्यूटर में, बन डालने का क्या मतलब है, हमारी दुनिया पीछे हम क्या कर सकते, एक आंगली से कुछ नहीं होता, पूरा एक दुनिया एक जनता साथ होती है, देश साथ होते, तो हमारा जो भी भविष्य है, जो भी हमारी महिला का एक दशा है, तो वो आराम से सबको साथ लेते, क्योंकि ये भारत का मीन है, ये राजस्थान में ये भेदभाव है कि महिलाओं को पढ़ाना नहीं है, लड़कियों को भेदभाव करना है, तो ये लड़कियां और महिला तो सबसे पीछे है, बी के साथ में हमारा गरीब लोग है, मजदूर लोग है, तो खूब लोग तो पीछे है, और 20% क्या कर लेगी, विकास नहीं होगा, विकास के लिए सबको साथ लेना पड़ेगा, सोच को तैयार करना पड़ेगा, तैयार करने के लिए सबकी मानसिकता एक जगह एक मसाल जगाना पड़ता है, क्यों कि आज चाहे भारत है चाहे बाहर का देश है बराबर है, पढ़े लिखे भी है बट इसी में भी सूचना नहीं मिलती है, जो ये कंप्यूटर में ये टेक्नोलॉजी में आंकड़ा है इसी का राजा है, जी के पास में है तो राजा है, अमीर हूँ अमीर की का है बताइए, हमारा जो भी घर बैठे बैठे ये मैं नेट खोल लिया निकाल लो आंकड़ा, मेहनत नहीं कर वो सीखे, बाहर जाओ सर्वे करो दुनिया की एक दुख को समझो, फिर बाद में ये आंकड़ा तैयार करके ले आओ, जो साल 2 साल 5 साल आपको लग जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, बट असली चीज तो वह निकलता है। तो महिला को ऊपर तो सबसे ही ज्यादा एक 8 गुना एक शोषण है, इज्जत तो शोषण है, लड़की होगी तो शोषण है, दहेज नहीं दिया तो शोषण है, अनपढ़ है तो शोषण है, पढ़गी तो शोषण है, नौकरी पर चलगी तो बैठे भी भेदभाव, क्योंकि पुरुष लोग ये तो होता है कि हमारा दबी हुई हम खेते हैं जैसा ही करना पड़ेगा, नहीं हमारा भी हक है आज़ादी में जीने का, यह आज़ादी जब मिलेगी कि सब एक होंगे, जब
तो नॉर्थी का एक चीज़ जो उन्होंने बताया नहीं, 1983 में नॉर्थी ने हरमाड़ा पंचायत में, उस समय एक दलित मजदूर थी और एक पब्लिक वर्क्स काम में 800 महिलाओं को ऑर्गेनाइज किया स्पॉन्टेनियसली अपने आप मिनिमम वेजेस के लिए, और उस नॉर्थी का वो स्ट्रगल सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ जिसकी वजह से हर मजदूर को इस देश में मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। तो नॉर्थी ने 1983 में किया। और ये शायद कंप्यूटर कब सीखी नॉर्थी? 18 साल पहले। हाँ, तो 18 साल पहले नॉर्थी एक्टिविज्म से थोड़ी तंग आ गई और बंकर के पास जाके SWRC तिलोनिया में काम किया नॉर्थी ने, और करती है अभी, तो हरमाड़ा की सरपंच है। तो गई बंकर के पास और कहा कि मैं तंग आ गई हूँ इधर उधर मीटिंगें करने में और मुझे घर रहना है थोड़े दिन, तो मैं क्या करूँ, क्या सीखूँ? तो बंकर ने कहा कंप्यूटर सीखो, और सीख गई। तो ये सब चीज़ें जो कह रही है, वास्तव में इसने कितने, पता नहीं, 300-400, 700 महिला, 710वीं पास लड़कियों को कंप्यूटर सिखाया है नॉर्थी।